मामला है जहां पर अब खंड शिक्षा अधिकारी ने नोटिस जारी किया। संगम नगरी प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के खौफ का तिलिस्म टूटता दिखाई दे रहा है। यहां अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर बन रहे फ्लैट्स के लिए आवेदकों की भीड़ उमड़ पड़ी है, जबकि लोगों का अनुमान था कि अतीक के नाम जुड़ा होने के चलते लोग आवेदन करने से पहले 100 बार सोचेंगे। ये रिपोर्ट देखें। प्रयागराज के लूकरगंज में ये पीडीए की तरफ से बनाए जा रहे फ्लैट्स हैं। इनके निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। ये फ्लैट जिस जमीन पर बन रहे हैं वो जमीन कभी माफिया अतीक अहमद के कब्जे में थी। अतीक अहमद के अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए फ्लैट्स का निर्माण जारी है। कुल 76 फ्लैट्स यहां पर बन रहे हैं, जिनको बेहद कम दामों में जो गरीब तबके के लोग हैं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना की जो क्राइटेरिया है उसको पूरा करते हैं, उनको ये आवंटित किया जाएगा। और इसके लिए पीडीए की तरफ से आवेदन मंगाए गए थे। 1731 वर्ग मीटर जमीन पर कुल 76 फ्लैट बनाए जाएंगे। जब पीडीए ने फ्लैट के आवंटन की प्रक्रिया शुरू की तो पीडीए के अधिकारियों को भी ये यकीन नहीं हुआ कि अतीक का नाम जुड़ा होने के बावजूद 5160 रुपए के आवेदन पत्र धड़ल्ले से बिक रहे थे। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने भूमाफियाओं से खाली कराई गई जमीन पे प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग के अंतर्गत हम लोगों ने 76 फ्लैट्स का निर्माण के लिए कार्य जारी है। तो उसमें 76 फ्लैट्स के एनहेंस्ड में 6071 फार्म हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। तो मोटा मोटी देखा जाए तो एक फ्लैट के लिए 80 लोगों ने आवेदन किया है। आंकड़ों के मुताबिक एक फ्लैट के लिए लगभग 80 आवेदन आए हैं। लोग भी इन फ्लैट्स में काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। हमने सबसे पहले इसमें आवेदन किया और हमें किसी प्रकार का डर नहीं है। जब हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हाथ है तो हमें ऐसे कार्य में करने में बिल्कुल भी कोई डर या झिझक नहीं है। इस योजना को दिसंबर 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। फ्लैट्स के लिए 6071 आवेदनों को सूडा के पास भेजा जाएगा, जिसके बाद आवेदन पत्रों की जाँच की जाएगी और फाइनल सूची पीडीए को सौंपी जाएगी, जिसके बाद पीजीए लॉटरी के माध्यम से इन फ्लैटों का आवंटन करेगा। तो हर फ्लैट की बात करें तो करीब 80 आवेदन प्राप्त हुए हैं और अपने आप में ये एक उपलब्धि है न सिर्फ पीडीए के लिए बल्कि प्रशासन और सरकार के लिए कि प्रयागराज में जो अतीक अहमद का गढ़ है वहां पर अतीक अहमद का खौफ धीरे धीरे कम हो रहा है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। जालौन से बड़ी खबर आ रही है। जालौन में मुर्दे कर रहे हैं।